मैं प्रदीप बड़जाती एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं नवजीवन क्लासेज पर। दोस्तों, हमारी जो ये साइंस की सीरीज चल रही थी, इसमें आज मैं आपके सामने आया हूं एक और नया टॉपिक लेकर, जिसका नाम है उत्सर्जन तंत्र। आज हम जानेंगे अपने उत्सर्जन के बारे में कि हमारा शरीर किन किन माध्यमों से उत्सर्जन करता है। दोस्तों, रोज सुबह मैं आपके लिए 8 बजे ये सीरीज लेकर उपस्थित होता हूँ, तो आप भी अपना रिस्पॉन्स दिखाइए और इस सीरीज को कुछ और आगे बढ़ाइए, कुछ अपने दोस्तों को शेयर किया कीजिए, ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिले, और वीडियो को लाइक कीजिए कर दीजिए। आज हम बात करेंगे जो हमारा उत्सर्जन तंत्र है, उत्सर्जन रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्यों बोलते हैं इसको सिस्टम? तो इसलिए बोलते हैं कि कोई अगर एक माध्यम होना तो इसको सिस्टम नहीं बोलेंगे, अनेक माध्यमों से उत्सर्जन होता है तो पूरा सिस्टम जुड़ा हुआ है, तो इसको हम उत्सर्जन तंत्र इसलिए बोलते हैं इसको कि बहुत से माध्यमों से हमारे शरीर से उत्सर्जन होता है। अच्छा, अब उत्सर्जन की डेफिनेशन भी बता देता हूं आपको, ये ना लगे, बाकी आपको सबको पता है कि अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर त्यागना, मतलब अपने शरीर में जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं ना, उनको शरीर से बाहर निकालने को ही तो उत्सर्जन बोलते हैं। और जो हमारा मुख्य उत्सर्जन अंग है वो है किडनी, और आज हम इसमें किडनी के बारे में ही पढ़ेंगे, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा अपने प्रत्येक उत्सर्जन तंत्र के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको बता देता हूँ। मैं आपको पहले बताऊंगा त्वचा के बारे में कि अपनी जो त्वचा है ना, ये त्वचा भी उत्सर्जन का कार्य करती है, और ये त्वचा उत्सर्जन करती कैसे है आपको दैनिक जीवन में पता है, लेकिन इस चीज पे क्या है कि कभी गौर नहीं करते, ध्यान नहीं देते। त्वचा से पसीना निकलता है, पसीना, तो ये पसीना क्या है? शरीर का अपशिष्ट पदार्थ है जिसके कारण ये शरीर से बाहर निकल रहा है। पसीना हो गया सीबम, ये सीबम क्या होता है? नमक, ये क्या होते हैं? ये सीबम जो हमारे त्वचा के ऊपर, गर्मियों के दिनों में जब हम ऐसे अपने हाथ उंगली को जब मलते हैं तो एक चिकना चिकना पदार्थ लगता है, या फिर हमारे चेहरे पर जो यहाँ पर कुछ चिकनाई जैसा पदार्थ होता है वो होता है सीबम, तेलीय पदार्थ। तो वो जो अपशिष्ट पदार्थ है जो त्वचा के माध्यम से हमारे शरीर से बाहर निकलता है, और पसीना, पसीने में नमक भी आता है। आपने देखा होगा कि जो पसीना आता है वो नमकीन होता है, कभी चख के देखा है आपने। अब त्वचा के बारे में बता दिया। एक होती है बड़ी आंत, बड़ी आंत से क्या होता है? बड़ी आंत जो होती है ना, बड़ी आंत, इससे अनपचा, ये अनपचे पदार्थों का निष्कासन। अनपचे पदार्थों का शरीर से निष्कासन कौन करती है? बड़ी आंत करती है। मैं आपको पाचन तंत्र के अंदर बड़ी आंत के बारे में पूरा डिटेल से बताऊंगा, उसके अंदर भी आप पूरा डिटेल से समझेंगे। और जो बड़ी आंत होती है ना, ये वैसे होती छोटी है, छोटी आंत होती है वो बड़ी होती है, यह मैं पूरा आपको सिस्टम बताऊंगा। बड़ी आंत अनपचे पदार्थों का शरीर से निष्कासन करती है, कौन? बड़ी आंत हो गई। अब एक आता है कि लीवर, ये लीवर क्या करता है? ये लीवर अमोनिया को यूरिया में बदलता है, ये अमोनिया को यूरिया में बदलता है लीवर। और एक आपने सुना होगा कि सबसे अपने शरीर में सबसे ज्यादा स्वयं का विकास, या अगर लीवर में कुछ मिस्टेक हो जाए या कोई भाग कट जाए ना, तो पुनरुद्भवन सबसे तेज तो शरीर के अंदर लीवर के अंदर होता है, और सबसे धीरे आपको बताया गया दिमाग में होता है, न्यूरॉन, उसके अंदर पुनरुद्भवन नहीं होता। जैसे कि हमारे हाथ की कोई हड्डी टूट जाएगी ना, तो उसके पास की जो हड्डी है ना वो वहां पर अपना स्थान फैला लेगी, लेकिन अगर दिमाग में अगर चोट लग जाए ना तो वो ठीक होगा ही नहीं। अगर ऊपर जो चमड़ी पे लगेगी तो ठीक हो जाएगा, अगर अंदर थोड़ी चली जाएगी तो भी ठीक हो जाएगा, अगर और अंदर चली जाएगी तो ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर दिमाग के अंदर इस कपाल को छेद कर, खोपड़ी को छेद कर अगर अंदर चली गई ना, और दिमाग पर चोट लग गई, मस्तिष्क पर चोट लग गई ना, तो फिर वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि मस्तिष्क की जो हड्डियां होती है ना, मस्तिष्क की जो न्यूरोन होती है वो पुनरुद्भवन नहीं करती, वो एक से दो बनती नहीं है इस वजह से। अच्छा, आप पूछेंगे कि तो सर फिर ये ट्यूमर क्यों हो जाए, जो मस्तिष्क कैंसर होता है ये क्यों होता है? जो मस्तिष्क का 90% हिस्सा है ना वो न्यूरॉन है, 10% भाग में अस्थियां पुनरुद्भवन करती हैं, इस वजह से होता है वो मैं आपको पूरा समझा दूंगा मस्तिष्क के अंदर। अच्छा, लीवर हो गया,
अब लीवर के बाद हम किडनी की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, वृक्क की। यह वृक्क क्या करता है, यह जो वृक्क है ना, यह वृक्क हमारे शरीर से जो अपशिष्ट पदार्थ है इनको ही ये बाहर निष्कासित करता है, किसके माध्यम से, पेशाब के माध्यम से। अब ये है ना, इसके बारे में हम आज बहुत ही अच्छी तरीके से जानकारी प्राप्त करेंगे कि ये हमारे शरीर से करता कैसे है बाहर, ये जो वृक्क है ये। अब मैं आज आपको वृक्क के बारे में बताऊंगा कि ये, और पेशाब के संगठन के बारे में बताऊंगा, और वृक्क बना किससे ये भी मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा आज। तो आपने त्वचा, बढ़ियांत, लीवर, वृक्क, इसके बारे में आपने समझ लिया। अब मैं आपको बताऊंगा किसके बारे में, और फेफड़े भी तो होते हैं, ये भी CO2 को निकालते हैं। फेफड़े, फेफड़े किसको निकालते हैं, फेफड़े निकालते हैं CO2 को, फेफड़े CO2 का निष्कासन करते हैं हमारे शरीर से। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं वृक्क के बारे में कि वृक्क कैसे करता है। वृक्क को क्या बोलते हैं, वृक्क को बोलते हैं किडनी। सबसे पहले मैं आपको इसका कुछ डायग्राम बनाकर दिखाता हूं, सिंपल सा, सिंपल सी लाइफ। इस वाला भाग होगा थोड़ा नीचे, क्यों होगा इसका कारण बता दूंगा मैं आपको, आप घबराए नहीं। कुछ इस प्रकार से होता है, आप कुछ को समझने के लिए ये मैं बनाकर दे रहा हूं आपको, कि अंदर के भाग को कहते हैं मेडुला, बाहर के भाग को कहते हैं कॉर्टेक्स, और ये भाग नीचे क्यों होता है, और ये भाग मतलब जो अपना बायां हिस्सा है वो होता है, वो थोड़ा नीचे हो, ये गड़बड़ बना दिया रे, बायां हिस्सा होता है ना ये थोड़ा ऊपर होता है, और दाहिना भाग होता है वो थोड़ा नीचे होता है, क्योंकि वृक्क किस तरफ पाया जाता है, अपनी दाई तरफ, और दाई तरफ लीवर के जस्ट नीचे पाया जाता है वृक्क, और जो लीवर होता है ना ये इस तरफ होती है, थोड़ी सी इस तरफ होती है, इसलिए वो थोड़ा सा नीचे हो जाता है लीवर के वजन की वजह से, ये क्या हो जाता है, नीचे हो जाता है। आपको मैंने इसके, ये हमारी मूत्रवाहिनी हो गई, ये हमारा मूत्राशय जहां पर स्टोर होके रहता है, स्टोर भी तो होता है ना, या फिर वृक्क से आते ही सीधा ही निकल जाता है, स्टोर तो कहीं पर होता ही है ना, वो यहीं पर होता है, और ये यहां से हम मूत्र को निष्कासन करते हैं। ये मैंने, अब इसके अंदर ये बना किससे है, इसके अंदर होती है नेफ्रोन, इसके अंदर क्या होती है नेफ्रोन, कहने का मतलब इसकी संरचनात्मक वृक्क की या किडनी की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई किसको बोलते हैं, किडनी की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई बोलते हैं नेफ्रोन को। अब थोड़ा सा मैं आपको किडनी के बारे में समझा देता हूँ कि किडनी करती क्या है, या फिर किडनी की थोड़ी सी संरचना के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। किडनी क्या करती है कि किडनी जब भी हमारे शरीर के अंदर कोई भी पदार्थ आता है, जैसे मैं आपको नेफ्रॉन में बताऊंगा, इसकी संख्या कितनी होती है किडनी की, किडनी की संख्या होती है दो, अगर जोड़ी में पूछे तो जोड़ी होती है एक, पक्षियों में क्या होता है, पक्षियों में किडनी एक ही होती है, जोड़ी दो नहीं होती, किडनी ही एक होती है, जो पक्षियों की जो हड्डियां होती है ना, हड्डियां होती है वो खोखली होती है, क्या होती है, पक्षियों की हड्डियां होती है वो खोखली होती है, पक्षियों की हड्डियां क्या होती है, खोखली होती है। और इस किडनी का जो हमारे शरीर में मानव में किडनी का वजन होता है वो 140 ग्राम होता है, और वो अपने वजन पे डिपेंड करता है कि अगर किसी व्यक्ति का वजन अधिक होता है ना तो उसके अंदर किडनी का वजन भी, किडनी भी बड़ी होगी, कोई व्यक्ति का छोट कोई व्यक्ति अगर पतला होता है तो उसके अंदर किडनी का भी क्या होगा, किडनी भी छोटी होगी। तो ये मैंने आपको किडनी के बारे में, इसके बारे में बताया। अब मैं आपको बताता हूं कि किडनी करती क्या है, किडनी कैसे निष्कासित कर देती है किसी भी चीज को। तो किडनी जो होती है इसके, ये बनी किससे होती है, किडनी बनी होती है, किडनी बनी होती है नेफ्रॉन से, किडनी किससे बनी होती है नेफ्रॉन से, नेफ्रॉन की संख्या लगभग 8 लाख होती है, अपनी जो किडनी होती है इसके अंदर नेफ्रॉन की संख्या 8 लाख होती है, कहने का मतलब जो किडनी है ना वो नेफ्रॉन से ही बनी है। जैसे कि हम कोई भी पदार्थ बनाते हैं, जैसे कि अपने या कोई लड्डू बना रहे हैं तो लड्डू बूंदिया से बनता है ना, तो उसी प्रकार उसकी उसमें चीनी होती है, उसके अंदर बहुत कुछ होता है, काली मिर्च भी डालते हैं थोड़ी सी, लेकिन उसके अंदर अधिक पार्ट वो बना किससे, वो बूंदिया से बना, बूंदिया से बना है, तो उसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या हो गई, बूंदिया। उसी प्रकार किडनी होती है, इसका लगभग पूरा भाग नेफ्रॉन से बना होता है, तो इसकी संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन ही होती है किडनी की। अब मैं आपको थोड़ी सी नेफ्रॉन की संरचना के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ आपको कि नेफ्रॉन की लगभग संरचना होती कैसी है, लगभग इस प्रकार की होती है। देखो ये कुछ लिखने वाली बात है नहीं, मैं आपको थ्योरी लिखा के पूरा पेज भरवा सकता हूँ कि दाई किडनी थोड़ी नीचे होती है, बाई किडनी थोड़ी ऊपर होती है, इसके ऊपर वृक्क संपुट पाए जाते हैं, इसके अंदर अन्मध्य के भाग को मेडुला कहते हैं, बाह्य भाग को कॉर्टेक्स कहते हैं,
ये चीजें लिखोगे ना तो आपका एक पूरा पेज भर जाएगा, लेकिन मैं केवल आपको समझ में आए आपको इस तरीके से बता रहा हूं। अच्छा, ये जब यहां से कुछ इस प्रकार की इसकी संरचना होती है, कुछ इस प्रकार की इसकी संरचना होती है, कुछ इस प्रकार की होती है इसकी संरचना। ये हो गया ये। अब इसको इसके यहां पर रक्त, इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस, इसको तो बोलते हैं ग्लोमेरुलस। और यहां पर इसके अंदर होता है वर्टिनी के वृक्क स्तंभ, तो इसके अंदर पाए जाते हैं। और यहां पर होता है बोमेन संपुट, बोमेन संपुट यहां पर हो गया बोमेन संपुट। और इस पूरी आकृति को क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन। ये हो गया। अब इसका कार्य होता है, ये करता है मुख्य शुद्धिकरण का कार्य। यहां पर मैं आज आपको बताऊंगा कि इससे होता कैसे है मुख्य शुद्धिकरण का कार्य। अच्छा, ये जो हमारी किडनी है, इसके अंदर जब यहां से जब रक्त प्रवाहित होता है, या फिर रक्त के अंदर क्या होता है कि कई पदार्थ होते हैं जो मर जाते हैं, तो उसकी लाश पूरे ब्लड में ऐसे घूमती रहती है। तो ब्लड में जब उनकी लाश घूमती रहती है ना, तो ब्लड उसका निष्कासन नहीं करता, ब्लड से इसका निष्कासन उनका करता है ये किडनी। किडनी उसका निष्कासन कैसे करती है कि जैसे ही वो ब्लड किडनी की ओर से गुजरेगा ना, तो किडनी उससे ऐसे ऐसे पहले से ही तैयार बैठी रहती है कि जैसे ही कोई अपशिष्ट पदार्थ आता है, लपक के उसको पकड़ लेती है, उसको पकड़ के और अंदर डाल देती है। किसके? नेफ्रोन। अंदर तो किडनी की नेफ्रोन ही होता है, उसके अंदर चला जाता है। अंदर जैसे ही जाता है, वैसे ही नेफ्रोन अपनी क्रिया करना स्टार्ट कर देता है। वो कैसे करता है वो मैं आपको बताता हूँ। ये जो ग्लोमेरुलस है ना, ये उसको शुद्ध करता है। शुद्धिकरण का कार्य कौन करता है? ग्लोमेरुलस। लेकिन ये क्या है कि ये थोड़ा सा मेंटल है ग्लोमेरुलस। किस वजह से ये मेंटल है कि ग्लोमेरुलस क्या करता है कि रक्त से कुछ प्रोटीन भी ले लेता है और कुछ एंजाइम्स भी ले लेता है। वो लेकर उनको अपशिष्ट समझ कर ले लेता है, और केवल जो तरल पदार्थ जो ब्लड है ना, उसको कि तुम चलो और तुम इस तरफ आ जाओ अपशिष्ट पदार्थों। ये क्या करता है, ग्लोमेरुलस है, ये यहां से लेकर आगे भेजता है बोमेन संपुट के पास कि ये अशुद्ध पदार्थ है, इनको निष्कासन करो, इसको शरीर से बाहर निकालो। अब ये थोड़ा समझदार होता है, ये जो अंदर बैठा है ना, ये कौन, ये ग्लोमेरुलस, सॉरी बोमेन संपुट। ये बोमेन संपुट क्या करता है कि क्या हुआ है कि लाइट गई है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, थोड़ी सी व्यवस्था कर ली है, थोड़ी बहुत व्यवस्थाएं हम भी रखते हैं, हालांकि आप वीडियो ही तो नहीं देखते हो, लेकिन आपके लिए व्यवस्था पूरी रखनी पड़ती है। अगर व्यवस्था नहीं करे ना, तो अगर एक भी बच्चा बाई चांस पूरे वीडियो को देखता है ना, मुझे पता है एक आधा तो देखता ही है, वो देखता, वो कहता क्या पूरी व्यवस्था ही नहीं है इसके पास, तो लाइट चली गई तो अंधेरा छा गया बिल्कुल। तो क्या क्या बताया कि हमको भी व्यवस्थाएं रखनी पड़ती है, हालांकि सपोर्ट नहीं मिलता, लेकिन व्यवस्थाएं पूरी रखते हैं बच्चों के लिए, ये बात है। अच्छा, तो हम कहाँ पर थे हमें, हाँ, ग्लोमेरुलस क्या करता है, ग्लोमेरुलस से रक्त को शुद्ध करने का कार्य करता है। कहने का मतलब रक्त से अपशिष्ट पदार्थों को ले लेता है और उसके साथ कुछ प्रोटीन, कुछ एंजाइम्स भी ले लेता है। अच्छा, ये लेकर आगे भेजता है इस बोमेन संपुट के पास कि ये लो, इनको तो बाहर निकालो और इस ब्लड को वापस अंदर जाने दो। अब ये थोड़ा सा समझदार होता है, ये ताऊजी है भाई। ये ताऊजी क्या करता है कि थोड़ा सा तो इसको डांटता है कि अबे पागल, ये क्या भेज दिया रे तूने, प्रोटीन एंजाइम वगैरह भेज दी तूने मेरे पास, विटामिन वगैरह, इनको निकालूंगा क्या मैं बाहर। तो पुनः निस्पंदन का कार्य, दोबारे से शुद्धिकरण का कार्य अगर आपको पूछ लेना, तो वो बोमेन संपुट करता है। ये इसको क्या करता है, पुनः शुद्धिकरण करता है, पुनः शुद्धिकरण का कार्य करता है। ये पुनः शुद्धिकरण कर लेगा बोमेन संपुट। अब ये बोलेगा कि ए अपशिष्ट पदार्थ तुम चलो आगे, आगे चलो, और प्रोटीन वगैरह जाओ तुम वापस ब्लड में अंदर, चलो ब्लड के अंदर, बाहर क्या घूम रहे हो ऐसे पागल की तरह, इसने तुमको बाहर फेंक दिया और तुम आ गए। तो ये क्या करते हैं कि इसके पास आता है, ये पुनः शुद्धिकरण का कार्य करता है, वापस उसको छानने का कार्य करता है, पुनः उसका जो अवशोषण का कार्य करता है, वापस अवशोषण का कार्य हो गया। अब ये क्या करता है कि जो पेशाब है, जो यूरिया है, पेशाब को ये आगे किसके पास भेज देता है, नेफ्रोन के पास। और ये नेफ्रोन उसका क्या करता है, शरीर से निष्कासन करता है, किसका, पेशाब का। इसका मतलब हमको पेशाब के बारे में जानना पड़ेगा, जो यूरिन है उसके बारे में जानना पड़ेगा। ये तो आपके समझ में आ गया, ग्लोमेरुलस, बोमेन संपुट और नेफ्रॉन से उस माध्यम से उसका निष्कासन होता है। अब मैं थोड़ा सा आपको पेशाब के संगठन के बारे में बताता हूँ, क्योंकि शरीर के बारे में तो कम से कम जानकारी होनी चाहिए ना कि पेशाब का संगठन क्या होता है। जो भी अपने शरीर से बाहर पदार्थ आता होता तो 100% ही है, भले ही ये मेरे पास मार्कर है, इसका ये ढक्कन है तो बिल्कुल 100% है ना, ये ढक्कन की जगह तो 100% ही है। अगर ये पूरा पैन है तो ये है तो 100% ही, अगर वो बड़ा पैन होगा तो बड़े के हिसाब से 100% होगा। तो दोस्तों, इसमें क्या होता है कि पेशाब में 95% तो पानी होता है, 95% तो पानी होता है लगभग।
2% इसमें क्या होती है, 2% होते हैं इसमें लवण, कुछ लवणीय पदार्थ होते हैं। अब आप सोचेंगे कि बाकी क्या क्या हो गए, तो इसमें बाकी के प्रोटीन्स एंजाइम वगैरह होते हैं, कुछ प्रोटीन्स होती हैं, कुछ विटामिन्स होते हैं, कुछ एंजाइम भी होते हैं। अब वो क्यों आते हैं, वो इसलिए शरीर से बाहर आते हैं कि जब भी बीमार पड़ते हैं तो कुछ दवाइयां भी लेते हैं, तो उसमें क्या हो जाता है, मूत्र कारण यूरोक्रोम के कारण पीला हो जाता है। अब वो पीला हुआ किसकी वजह से, वो अपने जो ज्यादा दवाइयां ग्रहण की ना, तो जितनी शरीर को आवश्यकता थी वो तो उसने रख लिया, अब बाकी वो किडनी के माध्यम से बाहर निकालेगा, किडनी के माध्यम से बाहर निकालेगा तो कुछ पदार्थ उसके इसके अंदर वो भी मिक्सचर हो जाएंगे। ठीक है, तो यह पेशाब का संगठन होता है, इसके अंदर कुछ और अन्य पदार्थ भी होते हैं। इसकी पीएच अगर हम जाने कि इसकी पीएच होती है वो 4.8 होती है। अब 4.8 होती है तो इसका सीधा से क्या मतलब, ये एसिड है, ये अम्ल है। अगर बेस होगा तो वो 7 से ऊपर होता है, बेस होता है वो क्षार होता है, 7 से नीचे होगा तो वो एसिड होगा। अच्छा, एसिड हो गया। अब मैं आपको ये बताता हूं कि इसका जो पीला रंग है, पीला ये होता है यूरोक्रोम के कारण, यूरोक्रोम। एक होती है कि पेशाब में गंध का आना, गंध किस वजह से आती है, ये अमोनिया की वजह से आती है, पेशाब घरों में गंध का आना अमोनिया का कारण है। अब मैं आपको सीधी सीधी भाषा में ये बताता हूं कि अपने शरीर के अंदर जो अपशिष्ट पदार्थ है वो अमोनिया के रूप में ही संचित रहते हैं। अमोनिया से जब मैं आपको लीवर पढ़ाऊंगा ना, अमोनिया से यूरिया में उसको लीवर कन्वर्ट करता है, और अगर 2-3 घंटे तक शरीर से इस यूरिया का निष्कासन नहीं किया गया ना, तो वो फिर से यूरिया में परिवर्तित हो जाएंगे। जैसे कि हम कहीं पर पेशाब करते हैं, स्कूल के अंदर हम क्या करते थे, वो स्कूल की दीवार के पास ही जाकर पेशाब करने लगते थे, और दूसरी कक्षा में अगर हम थे ना, सेकंड क्लास में, और टेंथ में होते होते वो दीवार को ही गिरा देते थे। क्यों? क्योंकि वो पेशाब करने के बाद वो अमोनिया में परिवर्तित हो जाता था वो 2 घंटे के बाद, और अमोनिया इतना खतरनाक होता ना भाई साहब कि वो पूरी दीवार को ही गिरा देता है, ऐसा भयंकर होता है। इसलिए यूरिया के माध्यम से अपने शरीर से निष्कासन होता, तो गंध अमोनिया की वजह से आती है, यूरिनोइड के कारण है। यूरिनोइड, अगर यूरिनोइड पूछे ना, तो ये ताजा पेशाब में गंध का कारण है यूरिनोइड। यूरिनोइड से ताजा पेशाब में गंध आती है, ताजा पेशाब में गंध का कारण यूरिनोइड। अच्छा, अब कुछ के बारे में मैं आपको बताऊं, यूरिनोइड ताजा पेशाब में गंध का कारण है, पेशाब घरों में गंध का कारण है, अमोनिया पीला रंग यूरोक्रोम के कारण, पीएच 4.8, पानी लवण के बगैर भी मैंने आपको बता दिए। अब अपन कुछ और बात करेंगे कि निष्कासन, जैसे कि मछलियों में कैसे निष्कासन होता है, पेड़ों से कैसे निष्कासन होता है, मैं कुछ आपको इसके बारे में बताऊंगा कि जो पेड़ होते हैं ना, पेड़ उससे गोंद निकलता है, आपने देखा होगा कि पेड़ों से क्या निकलता है, गोंद निकलता है, तो पेड़ किसके रूप में करते हैं अपना निष्कासन, पेड़ करते हैं गोंद के रूप में, या लाशा बोलते हैं जिसको, लाशा मतलब जब पेड़ को काटते हैं ना, कहीं पर कुल्हाड़ी से काटा ना, तो वहां से कुछ या तो लाल पदार्थ निकलेगा या फिर कुछ चिपचिपा पदार्थ निकलेगा। जैसे जब हम छोटे थे ना, तो खिचड़ी वगैरह पे चढ़ के वहां से गोंद तोड़ के लाते थे, गोंद तोड़ के लाते थे ना, वो उसका अपशिष्ट पदार्थ था, वो अपशिष्ट पदार्थ होगा निष्कासन करते थे, ये पेड़ हो गए। अब यूरिया, यूरिनोइड यूरिया के रूप में करता है स्तनधारी, स्तनधारी यूरिया के रूप में करता है। जैसे स्तनधारी में सारे आ जाते हैं, महिला पुरुष जीव जंतु, मतलब जो चलते हैं जिनमें मूवमेंट होता है उसके सभी के स्तन होते हैं, और वह बोलते हैं स्तनधारी। अच्छा, मछलियां होती है ना, वो अमोनोटेलिक होती है, वो अमोनिया के रूप में अपना उत्सर्जन करती है, अमोनिया के रूप में। कौन? मछलियां। मछलियां किसके रूप में? मछलियां करती हैं अमोनिया के रूप में। और ग्वानिन के रूप में? ग्वानिन के रूप में करती है मकड़ी। अब इनको तो बोलेंगे अमोनोटेलिक मछलियों को, मकड़ी को बोलेंगे ग्वानोटेलिक यूरियोटेलिक, और पेड़ पौधे तो पेड़ पौधे हैं भाई, पेड़ पौधा उर्दू शब्द है, और इनको बोलते हैं प्लांट्स। क्या बोलते हैं इनको? प्लांट्स बोलते हैं। ये मैंने आपको आज बताया कि मकड़ी ग्वानोटेलिक, और यूरिक एसिड यूरिको एसिड, यूरिक एसिड के रूप में करते हैं, यूरिक एसिड के रूप में करते हैं सरीसृप, रेंगने वाले पदार्थ, रेंगने वाले जीव होते हैं यूरिको एसिड। अपन है यूरिक, और पेड़ मछली अमोनोटेलिक, और जो ये मकड़ी होती है ये करती है ग्वानिन के रूप में, तो ये होगी ग्वानोटेलिक। ये मैंने आपको आज उत्सर्जन तंत्र के बारे में समझाने का प्रयास किया, आई होप कि आप समझे होंगे अच्छे से, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको, इस सेशन भी अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही करना है, और वीडियो को लाइक भी करना है। थैंक यू, धन्यवाद।